महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चली गई है, लेकिन नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, जबकि ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा दल जो है वो बीजेपी है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने ही एकनाथ शिंदे का नाम जो है उसका ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के विधायक मौजूद हैं, जो कि यहाँ प्रेसिडेंट होटल में मुंबई में रुके हुए थे और दोनों ही नागपुर से आते हैं। सर, नागपुर से आते हैं, फडणवीस जी का नाम जो है वो चल रहा था, कल आप लोग मिठाई खिला रहे थे, सेलिब्रेशन चल रहा था, अब जब नाम उनका नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ना ही मंत्रिमंडल में होंगे, किस तरह देखते हैं और क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने आज मास्टर स्ट्रोक मारा है। जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे कर नहीं सके, वो देवेंद्र जी के माध्यम से बाड़ा साहेब के सच्चे शिवसैनिक को आज मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व ने किया है। लेकिन सर, आपको इसकी जानकारी थी या शौक लगा इसको सुन के? नहीं, इसकी ये केंद्र की हो या राज्य की हो, ये बाकी किसी को चर्चा के अंदर भले ही रहते हैं, लेकिन जो निर्णय उन्होंने लिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। आप तो नागपुर से आते हैं, फडणवीस जी भी नागपुर से आते हैं, तो थोड़ा दुख हुआ? नहीं नहीं, दुख इस बार दुख भी दुख का कोई इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि राज्य के माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है और पूरे राज्य को बता दिया है, क्या हम सच्चे शिवसैनिक को आज मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? सच्चे शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे कह रहे हैं, लेकिन 2.5 साल तो उद्धव ठाकरे ही थे, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री था, अब अगले 2.5 साल भी वही रहेगी? 2.5 साल जो पिछले 2.5 साल में हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो आरोप लग रहे कि वो पक्ष ये करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं और अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वो बहुत ही साफ है। खुश है इस फैसले से? बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि सम्माननीय अपना देवेंद्र फडणवीस ने जो भी निर्णय लेते हैं, हम पिछले 25 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। आप लोग साथ में काम करते हैं, एक ही जगह से आते हैं, तो थोड़ा झटका लगा होगा कि फडणवीस साहब का कल तो कहाँ आप लोग पेड़ा खिला रहे थे, जश्न चल रहा था, जगह जगह लगा था कि सब देवेंद्र फडणवीस के लिए दमदार और पता नहीं क्या किस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा। नहीं, वो सब बातें तो है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ गेम ऐसे करना पड़ता है, ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ता है जो जरूरी होता है। क्या शौक लगा इस फैसले को सुनते वक्त, क्योंकि आज तो आपको जानकारी थी और आपको शौक नहीं लगा? नहीं नहीं, शौक तो थोड़ा जरूर लगा, लेकिन एक बात सच है कि जो राजनीति के हिसाब से गेम चलता है उसी हिसाब से उन्होंने चला है। अब आप लोग यहाँ रुकेंगे वापस? नहीं, मैं कल 5 बजे मीटिंग है, सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस हमको संबोधित करने वाले हैं, कल 5 बजे तक है, फिर परसों जाएंगे। अच्छा, आप भी रुकेंगे सर? हाँ। अभी भी आपको लगता है कि पार्टी ने सही फैसला किया कि बीजेपी के पास सबसे बड़े ज्यादा नंबर होने के बाद, बड़ा दल होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना सही फैसला? नहीं नहीं, बहुत बड़ा निर्णय भी लिया और बहुत बड़ा मन भी पार्टी ने किया है कि एक बाड़ा साहब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना के एक राज्य को नया संदेश। बाला साहब ठाकरे के अगर सच्चे शिवसैनिक को बनाना था तो उद्धव ठाकरे के नाम पर आप पहले क्यों नहीं सहमत हुए? नहीं, उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व तो छोड़ दिया था, लेकिन जब आपके साथ लड़े थे तब तो साथ लड़े थे, विश्वासघात उन्होंने किया और विश्वासघात के पाप का घड़ा उनका अभी फूटा है। ये थे बीजेपी के विधायक जो कि नागपुर से आते हैं, इनका कहना है कि थोड़ा शॉक जरूर लगा है इस खबर के बाद, लेकिन इनका कहना है कि जो ये दाव है जिस एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। कैमरामैन अजय चाकू के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP News, मुंबई।